सो गाइस आज के स्टूडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप कुछ इस तरह का पेंसिल स्केच इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो अपने कौन से फोटो में ओनली पिक्सल एप्लीकेशन की मदद से। तो अगर आपको भी सीखना है कि अपने फोटो में इस तरह का इफेक्ट कैसे अप्लाई करना है तो ये वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखते रहना और इस वीडियो का लाइक एवं 1.5 के लाइक्स का टारगेट रखते हैं कंप्लीट करा देना। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पिक्सल एप्लीकेशन में ये वाला बैकग्राउंड को ओपन कर लेना है जो कि आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट आपको यहाँ पे जाना है टूल्स पे, फिर जाना क्रॉप पे और यहाँ से आपको कुछ इस तरह से अपने बैकग्राउंड को कटआउट कर लेना है और यहाँ से कर लेना डन। ये हो जाने के बाद आपको यहाँ पे जाना है फिर से टूल्स पे और यहाँ पे रिसाइज पे क्लिक कर देना और ये वाला जो अमाउंट है यहाँ पे क्लिक करके इसे कट कर देना और यहाँ पे 3000 अप्लाई कर लेना और यहाँ से कर देना डन और यहाँ से रिसाइज पे क्लिक कर देना। इससे जो आपके बैकग्राउंड के पिक्सल्स हैं वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगे और इसके बाद जो भी आप फोटो अप्लाई करोगे उसका क्वालिटी बिल्कुल भी लूज नहीं होगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे जाना है ऐड फोटो पे और यहाँ से आपको अपने फोटो को ऐड कर लेना है और इसे ऐड करने के बाद आपको जो है कुछ इस तरह से यहाँ पे जूम कर लेना है, मतलब जिस तरह से एडजस्ट करना चाहते हो वैसे कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे जाना है इफेक्ट्स वाला ऑप्शन पे और यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो सिंपल आपको यहाँ पे जो इफेक्ट्स वाला ऑप्शन है इस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे जो नॉइस वाला इफेक्ट है इसे अप्लाई कर देना। तो देख सकते हो हमारे फोटो में इस तरह से नॉइस आ जाएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे नॉइस का जो अमाउंट है रख लेना है 45% और ये वाला जो आइकॉन है यहाँ पे क्लिक करके इस इफेक्ट को मर्ज कर लेना। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम यहाँ पे जाएंगे आर्टिस्टिक वाले इफेक्ट पे और यहाँ से आपको ऑयल पेंट वाले इफेक्ट को अप्लाई कर देना है और फिर से उसके ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पे जो अमाउंट है रख लेना है 10% पे और इसे भी यहाँ पे ये वाला आइकॉन पे क्लिक करके मर्ज कर लेना। तो ये हो जाने के बाद आपको यहाँ पे मैजिक वाले ऑप्शन पे जाना है। तो आपके सामने यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन आ जाए। आपको यहाँ पे जो स्केची वाला इफेक्ट है इसे अप्लाई कर देना है और ये सारे इफेक्ट को लोड करने के लिए सिंपल आपके यहाँ पे जो नेट है ऑन रहना चाहिए और इसके यहाँ पे जो इफेक्ट है आपको रखना है सॉफ्ट लाइट पे और फेड को यहाँ पे 20% के आसपास रख लेता हूँ और इसे भी यहाँ पे ये वाला आइकॉन पे क्लिक करके मर्ज कर लेता हूँ और यहाँ से कर लेता हूँ डन। नेक्स्ट आपके यहाँ पे जाना है एडजस्ट वाला ऑप्शन पे और यहाँ पे आपको फोटो के कॉन्ट्रास्ट को डिक्रीज कर देना है -40 के आसपास। फिर आपके यहाँ पे इरेज वाले टूल पे जाके ये वाला जो ऑप्शन है सिलेक्ट इस पे क्लिक कर देना और यहाँ पे पर्सन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना। तो आपके यहाँ पे जो बैकग्राउंड है एक ही क्लिक में रिमूव हो जाएगा, देख सकते हो। आपको बिल्कुल यहाँ पे टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं है। फिर भी आपके यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो जाता है तो सिंपल आपको रिस्टोर वाला ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे इस तरह से ब्रश कर लेना। लेकिन मेरे यहाँ पे परफेक्टली कटआउट हो चुका है, मैं यहाँ से बैक कर लेता हूँ और यहाँ से कर लेता हूँ डन। नेक्स्ट आपको इसे जूम करके अच्छे से एडजस्ट कर लेना है और इरेज वाले ऑप्शन पे जाके यहाँ पे इरेजर का जो हार्डनेस है आपको 100 पे रख लेना है, साइज 40% के आसपास रख के इस तरह से आपको इरेज कर लेना है जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ और यहाँ से कर लेना डन। नेक्स्ट आपको यहाँ पे जाना है एडजस्ट वाला ऑप्शन पे और यहाँ पे फोटो के सैचुरेशन को बिल्कुल डिक्रीज कर देना और यहाँ से कर लेता हूँ डन। नेक्स्ट आपको इसका यहाँ पे जो ओपेसिटी है थोड़ा सा कम कर लेना है ताकि हमारे यहाँ पे जो फोटो है पेपर के साथ मैच हो जाए और यहाँ पे जो फेक ना लगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे टेक्स्ट वाला ऑप्शन पे जाके यहाँ पे अपना जो इंस्टाग्राम का आईडी भी लिख सकते हो या फिर अपना नाम भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पे अपने इंस्टाग्राम का आईडी को टाइप कर लेता हूँ और ये वाला फॉन्ट को यूज कर लेता हूँ और इसका साइज जो है इस तरह से छोटा करके यहाँ पे रोटेट कर लेना और इसका ओपेसिटी मैं यहाँ पे रख लेता हूँ लगभग 60% के आसपास और यहाँ से कर लेता हूँ डन। तो हमारा फोटो यहाँ पे रेडी हो चुका है। इसका सिंपल आपको ये वाला आइकॉन पे क्लिक करके अपने फोटो गैलरी में सेव कर लेना। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक और एक अच्छे से कमेंट करना बिल्कुल ही मत भूलना और इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लेना, लिंक इधर डिस्क्रिप्शन। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे।